इतनी बड़ी घटना हुई, धू धू करके वहां पर जलता रहा शरीर, 97%, मतलब 3% जलना बाकी रह गया था, 97% शहीद का चाचा पार्लियामेंट के सामने विजय चौक पर, जहां पर देश स्वतंत्र होने का पहला उत्सव मनाया गया था, वहां पर मातम भी नहीं मनाया गया एक मौत के बाद। हमारी रोज की जिंदगी वैसे चल रही है, हमारे देश के सरकार की चल रही है, क्या ये राष्ट्रीय शोक का विषय नहीं है? क्या इस पर हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते? क्या इस पर हमें दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए? जिनका कर्तव्य है इस विषय पर दुख व्यक्त करने का, उन्होंने भी जब नहीं किया तो क्या हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनको नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं चाहेंगे? अगर ये चाहते हैं तो पूछिए, फोन उठाइए, हमको फोन करिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। एक और कॉलर है, उनसे बात करते, देखते क्या कहते। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। बोलिए। ये जो है अफजल गुरु को फांसी तो नहीं दी गई है? हेलो। हाँ बोलते रहिए, आप बोलते रहे मिश्रा जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं पूना से मिश्रा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जो है अफजल गुरु को इतना साल हो गए दी गई है, क्यों जबकि इनको फांसी नहीं दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फांसी की सजा सुनाई है, अभी भी नहीं दी गई है, इसलिए आतंकवादियों का, बिल्कुल बिल्कुल सही, इसलिए आतंकवादियों को अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई, इसलिए आतंकवादियों को ये हक बढ़ता उनकी इसलिए सही है कि हिंदुस्तान में आकर आतंक फैला रहे हैं हमारे नेता लोग, क्या कर रहे हैं देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा आतंकवाद कैसे बंद होगा। बिल्कुल धन्यवाद। आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और शहीदों के घर वालों के हौसले टूट रहे हैं। किसका हौसला बुलंद होना चाहिए? कल्पना करिए कि अगर ऐसे शहीद परिवारों के हौसले कमजोर हो गए, वो टूटने लगे, तो देश का क्या हो जाएगा, उसकी सुरक्षा का क्या होगा, उसके रक्षा का क्या होगा, आपका हमारा क्या होगा? लेकिन दुखद है, आतंकवादियों के बढ़ते हौसले के बारे में हमें ज्यादा चिंता नहीं है, ना ही शहीदों के घर वालों के टूटते हौसले की हमें चिंता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ, आपका नाम बताइए। सर मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, मुंबई से। बोलिए देवेंद्र। सर मुझे ये कहना है कि अगर किसी कोई शो लग जाता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तब तो हमारे नेताजी जाते हैं सब जगह, तो ये तो इतने बड़े राष्ट्रीय शोक का विषय है, तो अब हमारा सरकार क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। सरकार या विपक्ष हो या कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वहां पर जा नहीं सकता है, ये तो राष्ट्रीय शोक का विषय। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी बात है कि ये सब पैसों के पीछे लगे हुए। बिल्कुल धन्यवाद देवेंद्र जी, धन्यवाद। मुंबई से कॉल था। पैसे के पीछे नेता ज्यादा भाग रहे, ना कि ऐसे चीजों के पीछे। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। शहीद के चाचा का आत्मदाह, उन्होंने खुद को आग लगाई देश के पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, जहां रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से लेकर देश के महत्वपूर्ण मंत्री बैठते हैं, ऐसे नॉर्थ ब्लॉक के सामने, देश के विजय चौक में, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खबर भी ठीक से नहीं बनी। क्या ये हमारे असंवेदना को नहीं दिखाता? क्या हमारा ये शहीद के प्रति रवैया नहीं दिखाता? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या ये सही है गलत है, इस पर कुछ सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए, और अगर ऐसा हम नहीं सोचेंगे तो हम शहीदों के साथ आप अन्याय करेंगे। इसलिए हम आज बिंदास बोल में इस विषय को लेकर आए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते क्या कहता है। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए, आपका नाम बताइए। राकेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार बहुत बोल रहा हूँ। बोलिए क्या कहेंगे। गाजियाबाद से। हाँ बोलिए। नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आखिर देश के लिए, देश के लिए जो देश को कत्ल करने वाले हैं, कत्ल गारत करने वाले हैं, कसाब जैसे को अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, और देश के जो शहीद हो रहे हैं उन लोगों को आज तक कोई सुविधा नहीं है, क्या करता रहे ये? बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की लापरवाही है। चलिए सरकार तो है, मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। और आप और हम लोगों ने, हेलो,
जी देश के आम आदमी ने तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, आम आदमी ने ये उठाना चाहिए, चुप करने वाले। बिल्कुल धन्यवाद। देश के आम आदमी ने भी उठाना चाहिए ऐसी प्रतिक्रिया हमारे कॉलर दे रहे, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे पास एक एमएम एक और कॉलर है, ले देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी चौहान साहब। बोलिए। तो अपने लोकशाही में पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी इसे को तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, और जो भी बातें दुनिया के सामने रखते है, विश्व के सामने रखते है, वो पत्रकारिता होती है। बिल्कुल। अब हमारे जो राजनयिक लोग हैं वो तो असली बातों में तो उनका कोई दम ही नहीं है, सब नकल ही कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का जो भरोसा है, अपने भारत का जो भरोसा है, वो पत्रकारिता पर भरोसा है। बिल्कुल। और वो पत्रकारिता अगर झूठे कुछ सामने रखती है तो इसके मायने क्या हो कि अपने लोकशाही का चौथा भी स्तंभ कहीं से तो भी उखड़ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या हमारे को ऐसा लगता है, आम जनता को ऐसा लगता है कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसी का तो भाग नहीं है। बिल्कुल। षड्यंत्र का हिस्सा है। षड्यंत्रों के अंतर्गत विदेशी फंड से तो कोई पत्रकारिता नहीं चल रही है, जो कि असली बातें दुनिया के सामने या लोगों के सामने नहीं प्रदर्शित कर दी। तो इस मायने में अभी आम जनता या और कोई जो बिगड़ गए हो उनके साथ पत्रकारिता भी अगर बिगड़ गई होती तो किसकी तरफ ध्यान दे, किसकी तरफ आदर्श रखे, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। इसलिए अब तो ये शहीद के चाचा हुए, खास करके शहीद को, शहीदों को भी सम्मान नहीं दिया जाता, तो इस तरह से वो तो शहीद के चाचा की बहू, यानी थोड़ी सी दूर की बात रहेगी। बिल्कुल। इस तरह से शहीद हो रहे हैं उनकी कोई नहीं ले रहा है, और शहीद जिन लोगों की वजह से वो शहीद हो रहे उनको तो बढ़िया खिला पिला रहे, तगड़ा बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है भारत की दशा में देखो तो। बिल्कुल। कसाब का वजन बड़ा है, कसाब का हेल्दी हुआ है कसाब, उसके स्किन का कलर और गोरा हो गया है। गुरु यहां पर इतनी सारी चीजें कर रहा है, कश्मीरी पकवान खा रहा है, लेकिन हमारे देश के जवान -30 डिग्री जहां पर बर्फ क्या खून जम जाता है, हड्डियां जम जाती है, ऐसे जगह पर भी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, और हम हमारे दिनचर्या रोज के काम करते हुए भी शहीद को याद नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, आपके SMS भी लेंगे। बहुत सारे SMS आ रहे हैं आज ब्रेक पर जाते हुए मैं आपको SMS का पोल नहीं दिखा पाया, जो आप देख लेते हैं और फिर इस ब्रेक पर जाएंगे तब भी देखेंगे। पहले ब्रेक पर SMS का क्या रेशो था आपको दिखाते हैं। ये पहले ब्रेक पर था 76% लोग कह रहे कि हाँ ये गलत है। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते देखते क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी, आपका नाम बताइए। तिलकराज। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिरसा हरियाणा मोहिद्दीन से बोल रहा हूँ सर, गांव से बोल रहा हूँ। बोलिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें दोषी जो है ना, पब्लिक को भी मानोगे आप, इसको मीडिया को भी मानोगे, सरकार जो है ना वो तो दोषी है, ये सबसे बड़ी दोषी सरकार है। बिल्कुल। और जो अपने मीडिया वाले हैं ये भी कम नहीं है उनसे। बिल्कुल। अंग्रेजों से कम नहीं रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले गुलाम था ना, इंडिया गुलाम था, उससे कम नहीं रहा, कसर नहीं छुटी हुई है। कोई कसर नहीं है उसमें, उस गुलाम से ये बदतर स्थिति हो चुकी है हमारी। अब इसमें सिस्टम है, सरकार एक सिस्टम है सर। तो सिस्टम का बड़ा हिस्सा जरूर है पब्लिक है, लेकिन उसका जो दमदार हिस्सा है वो क्या है, या अफसरशाही है, मीडिया है, और यह सरकार है, चंद लोग हैं। बिल्कुल। और अंग्रेजों के वक्त भी चंद लोग ही थे जिन्होंने हमारे यहाँ इंडिया के ऊपर राज किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ बिल्कुल अगर ये स्थिति है तो ये पब्लिक का जो हम देख रहे हैं हाल, कोई भी मिस्र का हाल देख रहे हैं, ये पब्लिक जब जागेगी तो मेरे ख्याल मुश्किल है, पब्लिक नहीं जागेगी। आपको आशा नहीं? हमारे जितने नेता भ्रष्ट है, जितनी हमारे मीडिया है, वो भी दुकानदारी है। बिल्कुल। आपको आशा नहीं है कि पब्लिक जागेगी? संवेदनहीनता बहुत ज्यादा आ चुकी है आपको। अब संसद के सामने किसी का मतलब, जो भी है शहीद के चाहते हो या मैं क्यों ना हूं, कोई अपनी बात रख रहा है, कोई सच्चाई के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं उसके वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उनकी बात सुनी नहीं गई इसलिए तो उन्होंने ये अपना ध्यान आकर्षण के लिए। वो तो शहीद के चाचा थे, उसकी जगह मैं भी आ सकता हूँ, लेकिन ऐसे चंद लोग हैं जो इस चीज के बारे में, जिनमें ये जो अपनी सरकारें हैं, हमारा मीडिया, ये सब संवेदनहीन हो चुका है, इनमें संवेदना है ही नहीं है। बिल्कुल।
धन्यवाद। तिलक राज जी हरियाणा से बात कर रहे थे, अपनी ठेठ हरियाणवी स्टाइल में, असली भारतीय स्टाइल में बात रखी। एक और कॉलर है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। नमस्कार। हाँ नमस्कार श्री जी। नमस्कार। हाँ बोलिए श्री जी। मैं रजीश सोनी। हाँ हाँ बोलिए सर। अभी अभी मनीष जी बात कर रहे थे आपसे, कोई मनीष कुमार जी जिन्होंने कहा था कि ये हमारे देश के खिलाफ। मैं भी यही बात उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश के खिलाफ ये एक मीडिया के द्वारा साजिश रची जा रही है कि जिस तरीके से आज हमारे पास इतने चैनल है जिसपे टीवी सीरियल दिखाए जाते हैं, फिल्में दिखाई जाती है, न्यूज चैनल दिखाए जाते हैं, तो उसमें हर वर्ग को, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर आदमी को लिए एक मनोरंजन के लिए उनके लिए अलग अलग चैनल है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी आजकल कार्टून चैनल चल रहे हैं और जो न्यूज चैनल है उनका तो आप पूछिए मत। वो न्यूज जो दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि धोनी की वाइफ साक्षी कौन से अपना आइसक्रीम कौन सी खाती है, धोनी कौन सा अंडरवेयर पहनते हैं, वो ये ब्रांड तो बताते हैं, लेकिन सच्चाई की देश में क्या हो रहा है उस तरफ किसी भी मीडिया का कोई भी चैनल, जिसमें मैं समझता हूँ कि कहाँ पे है ये, क्या कर रहे हैं मीडिया हमारा, जो कोई कहता है वो सबसे तेज, कोई कहता है सबसे आगे, कोई कहता है मैं 24 घंटे आपके साथ। बिल्कुल। तो ये उस वक्त कब कहाँ चले जाते हैं जब ऐसी घटना होती है। बिल्कुल, लेकिन सुदर्शन टीवी प्रयास करता है अपनी बातें आपके सामने रखने का, तो इसीलिए तो सर हम आज की डेट में सुदर्शन चैनल को ही देखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर बहुत प्रतिक्रिया और भी आ रही है, लेकिन हम आपको अभी कारणों पर नजर डालते हैं कि क्यों होता है ऐसा।